हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रीन लव में। दोस्तों, आज ये ब्यूटीफुल फ्लावर विंटर जैस्मिन या फिर जैपनीज जैस्मिन का प्लांट है उसका है। और ये देखिए, ये जैस्मिन की ही एक टाइप होती है। मोस्टली घरों में जो गर्मियों में फ्लावरिंग देते हैं ना, जैस्मिन वाले प्लांट, मोगरा जिसको बोलते हैं, वो होते हैं। ये भी जैस्मिन की टाइप है। ये सर्दियों में फ्लावरिंग देता है। और ये देखिए, इसको येलो जैस्मिन भी कहते हैं। और लेकिन इसके जो फ्लावर में जो फ्रेग्रेंस होती है वो नहीं होती, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाई जाए इस प्लांट पर। तो उसके कुछ टिप्स मैं दूंगी आपको, तो चलिए चलते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन हाई उस पे हो, वो डालना चाहिए। और अगर आप ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो उसमें आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे, मस्टर्ड के का भी दे सकते हैं, या फिर आप अगर वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाल रहे हैं तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, जिसको हम कंपोस्ट टी भी बोलते हैं, मतलब 8-10 दिन भिगो कर उसको फिर छान कर फिर पानी में मिक्स करके उसको डाइल्यूट करके आप इसको दे सकते हैं। मतलब लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा पसंद है। और सेकंड ये है कि जब भी आप, जैसे इसके वो होते हैं डेड एंड होते हैं, इसमें ना कई लकड़ी जिस जैसी टहनियाँ सी होती हैं जिसमें ना तो फ्लावरिंग आती है ना उस पर कभी लीफ आते हैं, तो उनको हम टाइम टू टाइम काटते रहें तो ठीक रहता है। एक तो इससे प्लांट हमारा हरा भरा और सुंदर लगता है, और दूसरा ये देखिए, कई जगह जहाँ उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती उस टहनी में, ये देखिए इसमें जैसे ग्रोथ है ना, सूखी टहनी में कोई ग्रोथ नहीं होती, लकड़ी सी होती है। उसको हम उस एंड को हम प्रून कर दें तो वहाँ पर आपको नई ग्रीन स्टेम देखने को मिलेगी, ठीक है। और तीसरा ये है कि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। अगर आपके पास ओपन स्पेस इतना नहीं है तो कम से कम ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 5-6 घंटे की सनलाइट प्लांट को मिलती हो, तो वो भी सफिशियंट है इसके लिए। क्योंकि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है वो बिना धूप के या बिना सनलाइट के फ्लावरिंग आपको कम देगा, ठीक है। और चौथा ये है, इसका जो प्रूनिंग का टाइम है, हार्ड प्रूनिंग का बोल दो, वो जून से, सॉरी, जो गर्मियों का सीजन होता है ना, गर्मियों में ही इसकी प्रूनिंग की जाती है। जब ये डोरमेंसी में होता है तभी आप इसको अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं। या अगर आप वाइन के रूप में इसको चलाना चाहते हैं तो इसको टाई करके रखें। अगर आपने हार्ड प्रूनिंग करके इसको कोई शेप देनी है अपनी मनपसंद, तो आप उसको डोरमेंसी पीरियड में दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ये जो स्पेंट फ्लावर होते हैं, जैसे अभी तो इसमें फ्लावर बनने शुरू हुए हैं, स्पेंट फ्लावर अभी हुए नहीं है, लेकिन अगर आपके ये जैसे ख़त्म हो जाते हैं, इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है फ्लावर का, तो आप उसको थोड़ा पीछे से उसको काट सकते हैं और फिर वहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेम मिलेगी तो आपको फ्लावरिंग भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, कई जैसे कई जैस्मिन होती हैं वो जैसे समर वाली होती है, मोगरा जिसको हम बोलते हैं, उसकी उस हर किसी का डिपेंड करता है कि वो कौन सी वैरायटी है, उसको कितनी सनलाइट चाहिए, तो तभी आप उस पर, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वैसे तो इस पे पेस्ट वेस्ट का अटैक मैंने देखा नहीं है आज तक, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं दिखता भी है तो आप उस पर नीम ऑयल का स्प्रे करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो प्लांट है उसको हम बुशी बना सकते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं। और गुड़ाई करने का भी है, गुड़ाई अगर हम टाइम टू टाइम करेंगे, 15-20 दिन के बाद, मतलब टाइम फिक्स कर लें तब हम गुड़ाई करेंगे, तो उसकी जो रूट्स हैं उसको ऑक्सीजन मिलेगी और जो प्लांट है वो आपका हेल्दी बना रहेगा।
तो ये तो थे कुछ टिप्स विंटर जैस्मिन या जैपनी जैस्मिन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं।